गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में हम एक की मात्रा वाले शब्द या नाम को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक की मात्रा वाले शब्द या नाम को अंग्रेजी में लिखना। तो सबसे पहले हम एक की मात्रा देख लेते हैं, हम किस तरह का होता है। तो एक की मात्रा जो है इस तरह का होता है, और इसका उच्चारण जो है ए होता है। जिसे हम देखते हैं, इसका जब एक की मात्रा किसी अक्षर पे लगता है तो उसका उच्चारण किस तरह का होता है। जैसे यहाँ पे क है, क पे एक की मात्रा जो है यहाँ पे लगता है, तो इसका उच्चारण जो है हो जाएगा के, यानी क पे एक की मात्रा रहेगा तो उसको हम पढ़ेंगे के। जैसे यहाँ पे ख, ख पे एक की मात्रा लग गया यहाँ पे तो क्या होगा खे। ज पे यहाँ पे एक की मात्रा लग गया तो ये होगा जे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मात्रा यानी एक की मात्रा का जो इंग्लिश होता है ई होता है। क्या होता है? ई होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक की मात्रा वाले शब्द या नाम को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है से और यहाँ पे ना, क्या लिखा है? सेना। तो इसको हम जो है इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे? जैसे यहाँ पे से, तो स के लिए एस हो जाएगा, और यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे ई, ये हो गया से। और यहाँ पे ना है तो ना के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि ना के लिए हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, यानी इस आ की मात्रा के लिए हम ए लगाएंगे, और न के लिए यहाँ पे एन लिखेंगे, और यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लग जाएगा। तो ए हो गया सेना। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मेला, तो मेला को हम कैसे लिखेंगे? म है और म के ऊपर ए की मात्रा है तो इसको हम लिखेंगे म के लिए यहाँ पे एम लिखेंगे, और ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई हो जाएगा, और यहाँ पे लॉ है और इसमें आ की मात्रा है तो लॉ के लिए एल, और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए लग जाएगा, तो ये हो गया मेला। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे रेखा, तो यहाँ पे र के लिए आर, और यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई होगा, और यहाँ पे खा है तो खा के लिए के एच, और यहाँ पे आ के लिए यहाँ पे ए हो गया, तो ये हो गया रेखा। इसके बाद देखा, तो यहाँ पे द के लिए यहाँ पे डी होगा, और इस पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई हो जाएगा, और यहाँ पे खा है यानी ख में आ की मात्रा है तो ख के लिए यहाँ पे के एच, और आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए हो जाएगा, ये हो गया देखा। इसके बाद रमेश, क्या है? रमेश। तो इसको देखिए हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम र का इंग्लिश लिखेंगे, तो र के लिए यहाँ पे आर हो गया, र में जो है अ की साउंड आ रहा है रमेश, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे म है, म के लिए एम, और इस पर ए की मात्रा है तो ई हो जाएगा, और यहाँ पे श है तो तालव श का इंग्लिश होता है एस एच, तो ये हो गया पूरा रमेश। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे उमेश, उ, तो यहाँ पे उ के लिए यू होगा, इसमें ए नहीं लगेगा तो ये हो गया उमेश। मेश के लिए यहाँ पे म के लिए एम, और ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई हो गया, और तालव श के लिए एस एच, ये हो गया उमेश। इसके बाद हम देखेंगे जावेद, तो जावेद को देखिए इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं। तो जा के लिए यहाँ पे जे, ज के जे से ज हो गया, और आ की मात्रा है इसमें तो ए हो गया, और यहाँ पे वे, यानी यहाँ पे वा के लिए भी लिखेंगे या डब्लू भी होता है तो यहाँ पे हम भी लिखे हैं, और इस पर व पे एक की मात्रा है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, और यहाँ पे द है, द का इंग्लिश डी हो गया, ए हो गया जावेद। इसके बाद सेन, तो स के लिए यहाँ पे एस, और यहाँ पे ए की मात्रा है तो ई हो गया, और यहाँ पे न है तो न के लिए एन, हो गया सेन। इसके बाद देव, तो द के लिए यहाँ पे डी, और इस पर ए की मात्रा है तो ई यहाँ पे हो गया, और व है तो व के लिए यहाँ पे भी हो गया, ये हो गया देव। इसके बाद नेहरू, नेहरू का न पे ए की मात्रा है तो यहाँ पे एन हो जाएगा न के लिए, और ए की मात्रा के लिए ई हो गया हरू, तो ने हरू, तो यहाँ पे ह
यहाँ पे अ के साउंड आ रहा है हमें, तो इसलिए यहाँ पे ए हो गया, और रू तो आर और रू के ऊ की मात्रा है तो इसमें यू लगेगा, ये हो गया नेहरू। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पे है राकेश, तो यहाँ पे र है, र के लिए यहाँ पे आर और आ की मात्रा है इसमें, तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पे ए हो गया, और यहाँ पे के है, के लिए यहाँ पे के, और इसमें ए की मात्रा है तो ई हो गया, और यहाँ पे श है तो एस एच, ये हो गया राकेश। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम साकेत, तो साकेत को हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे सा है तो सा के लिए होता है एस ए, यानी यहाँ पे स के लिए एस और आ की मात्रा के लिए ए लग गया है, और यहाँ पे के है तो के से क हो गया, और ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए ई, और यहाँ पे त तो है, त तो को इंग्लिश में टी कहते हैं, ये हो गया साकेत। इसके बाद चेतन, चेतन के लिए यहाँ पे च क्या इंग्लिश होगा सी एच, और यहाँ पे ए की मात्रा है तो ए के लिए ई, और इसके बाद तन, तो तन का टी, त तो में अ की साउंड आ रहे थे ए एन, ये हो गया चेतन। इसके बाद सुरेखा, तो सु का एस यू, और यहाँ पे रे है तो रे के लिए आर ई, इसमें ए की मात्रा है तो यहाँ पे ई लग गया, और यहाँ पे है खा, तो ये हो गया के एच, और यहाँ पे ए हो गया, ये हो गया सुरेखा। इसके बाद गणेश, तो ग के देखिए ग के लिए जी, और इसमें अ की साउंड आ रहा है तो यहाँ पे ए अण है, और इस पर ए की मात्रा है तो इसके लिए हम अण को जो है एन कहते हैं, और ई जो है ए की मात्रा के लिए, और यहाँ पे तालब स है तो एस एच, ये हो गया गणेश। इसके बाद मुकेश, तो मु के लिए एम यू, और के लिए के ई, और स के लिए यहाँ पे एस एच लिख देंगे, तो ये हो गया मुकेश। इसके बाद अखिलेश, तो यहाँ पे देखिए अ के लिए यहाँ पे ए, और यहाँ पे खी है, इसमें ख में छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए हम आई लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ख का इंग्लिश लिख देंगे के एच, और छोटी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे आई लिखेंगे। इसके बाद ले है, तो ल एल से ल, और ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई हो जाएगा, और यहाँ पे श है तो तालब स का एस एच हो गया, ये हो गया अखिलेश। इसके बाद रत्नेश, तो यहाँ पे देखिए र के लिए आर ए से र हो गया, यहाँ पे र में अ की साउंड आ रहा है, इसके लिए इस यहाँ पे ए दिए हैं, और यहाँ पे आधा त है, आधा त के लिए यहाँ पे ओनली टी होगा, इसमें ए नहीं होगा, और यहाँ पे ने है तो न एन से न, और ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई हो गया, और श ये हो गया एस एच, ये हो गया रत्नेश। इसके बाद यहाँ पे है खेत, तो ख के यहाँ पे ख पे ए की मात्रा है तो ख के लिए के एच, और ए की मात्रा है तो ई, और यहाँ पे लास्ट में त है त के लिए टी, ये हो गया खेत। इसके बाद लास्ट हम देखेंगे शब्द बेला, तो बेला के लिए यहाँ पे ब, ब के लिए यहाँ पे बी हो गया, और ए की मात्रा के लिए यहाँ पे ई, और यहाँ पे ला है, ला के लिए एल ए, हो गया बेला। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में।